दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 2 मार्च 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टाटा आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम और लेजेंड्स क्रिकेट लीग के लिए तीनों टीमों के कप्तानों को लेकर हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले अपडेट्स आज की तारीख में देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हां, टाटा आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट कर रही 10 की 10 टीमें फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2023 के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है, जहां पर 31 मार्च से हमें भारत के 12 स्टेडियम में होम एंड अवे फॉर्मेट के साथ टाटा आईपीएल 2023 देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका भी से 2-3 दिन पहले लगा था, जहां पर इस टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी के चलते टाटा आईपीएल 2023 से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। पिछले 6 महीने से वो क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं, अगले 6 महीने वो शायद क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम परेशानियों में फिलहाल जरूर है। उनके आइडियल रिप्लेसमेंट की तलाश फिलहाल मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच कल एक राहत भरी खबर जरूर यहां पर मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए निकल कर आए, जहां पर भाई आप सभी को बताएं कि जोफ्रा आर्चर भी इंजरी की वजह से पिछले सीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। कल जोफ्रा आर्चर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर उन्होंने टिल नाउ अभी तक ऐसा कंफर्म किया है कि अगर वो यहां पर फिट रहते हैं तो टाटा आईपीएल 2023 के पूरे सीजन के लिए मुंबई इंडियंस टीम के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। उन्होंने खुद ऐसा बोल दिया कि भाई वो कोई ब्रेक यहां पर नहीं लेंगे, डेफिनेटली वो आईपीएल 2023 का हिस्सा होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि आईपीएल के आगाज से पहले अभी से कुछ दिन पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा था, जहां पर इस टीम का एक युवा तेज गेंदबाज यहां पर सिद्ध कृष्णा की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो भी इंजरी की वजह से टाटा आईपीएल 2023 से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ऐसा अपडेट हमें देखने को मिला था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम उनकी रिप्लेसमेंट की तलाश यहां पर नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों कल यहां पर एक बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से हमें कुछ बड़े अपडेट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर भारत के ही तेज गेंदबाज वरुण अरुण के साथ फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी थोड़े से कॉन्टेक्ट में है और ऐसा हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर वरुण अरुण को राजस्थान रॉयल्स की टीम में आईपीएल 2023 में खेलने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वो काफी सारी आईपीएल की टीमों में खेल चुके हैं, 56 मैचों का इनके पास आईपीएल एक्सपीरियंस है, T20 इंटरनेशनल थोड़े कम खेले अभी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन दोस्तों आईपीएल में इन्होंने धमाल किया, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, जिसके चलते भाई कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो एक पर्पल दावेदार यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2023 को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, 4 मार्च से भारत के 2 स्टेडियम्स में, जी हां आपके डीवाई पाटिल स्टेडियम और ब्रैबन स्टेडियम, दोनों आपके स्टेडियम्स में टूर्नामेंट का आगाज होने के लिए जा रहा है। आपके यहां पर कुल 22 महामुकाबले टूर्नामेंट के दौरान खेले जाएंगे, 26 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन इसी बीच यहां पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट वुमेन प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग बीसीसीआई ने की है, जहां पर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि यहां पर जब आपके WPL का आगाज होगा, यानी भाई आपका फर्स्ट मैच जब 4 तारीख को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला जाएगा, उससे जस्ट 3-4 घंटे पहले वुमेन आईपीएल 2023 के फर्स्ट एडिशन की ओपनिंग शेयर मनी होने वाली है। जी, ओपनिंग शेयर मनी का A to Z हर अपडेट आपको अपने चैनल पर ही सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है वुमेन प्रीमियर लीग की टिकेट्स की बुकिंग को लेकर। जी हां, फाइनली यहां पर इस टूर्नामेंट के फर्स्ट एडिशन के लिए टिकेट्स की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बुक माई शो ऐप पर जाकर आप अपने टिकेट्स को बुक कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर रेट्स भी डिसाइड हो चुके हैं। यदि आप जेंट्स हैं तो भाई आपको ₹100 से और ₹400 के बीच आपको टिकट लेनी पड़ेगी। फर्स्ट प्राइस आपका ₹100
रहने वाला है, सेकंड प्राइस आपका 400 रुपए रहने वाला है, लेकिन वुमेन और गर्ल बिल्कुल फ्री में इन महामुकाबलों को स्टेडियम में जाकर लाइव देख सकती है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई वुमेन आईपीएल का क्रेज फाइनली अब यहां पर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी वुमेन प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग और यह खबर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस वुमेन्स की टीम को लेकर, जहां पर कल फाइनली मुंबई इंडियंस वुमेन्स की टीम ने WPL 2023 के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी। भाई सभी को पहले से ही पता था कि कौन कप्तान बनेगा, हरमनप्रीत कौर नंबर 7 पर सभी की निगाह थी और भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहां पर मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने उनको WPL 2023 के लिए अपनी टीम का कप्तान बना दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 को लेकर। जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर आप सभी जो मतलब भारतीय क्रिकेट फैंस है, जो पुराने क्रिकेट फैंस है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी कल निकल कर आई, जहां पर 10 मार्च से 20 मार्च के बीच हमें लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा एडिशन होने वाला है। और कल फाइनली यहां पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही तीनों टीमों के कप्तानों की घोषणा कर दी गई है। चलिए सभी टीमों के हम कैप्टन्स पर नजर डालते हैं। तो भी आपकी इंडिया महाराजाज की जो टीम होने वाली है उसके कप्तान के पद पर गौतम गंभीर को चुना गया है। आपकी एशिया लायंस की टीम के कप्तान के पद पर हमें शाहिद अफरीदी देखने को मिले। वही वर्ल्ड जेंट्स की टीम के कप्तान के पद पर आरोन फिंच हमें देखने को मिले हैं। तीनों टीमों के कैप्टन डिसाइड हो चुके हैं, शेड्यूल आ चुका है, सभी इन्फॉर्मेशन को हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशिया कप 2023 को लेकर, जहां पर आने वाले 3-4 दिनों के बीच हमें एशिया कप 2023 के फाइनल वेन्यू के रिगार्डिंग हमें एक बहुत ही बड़ी मीटिंग देखने को मिलेगी, जिस मीटिंग के बाद पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया जाएगा। और जैसे यहां पर एशिया कप के वेन्यू के रिगार्डिंग फाइनल अपडेट हमें देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है आज आपकी 2 मार्च 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। सभी को आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।